Hey guys, welcome to the next vlog. And आज एक्चुअली गाड़ी में ना कुछ इशू आ रहा था. इशू इन द सेंस जो पार्किंग सेंसर मैंने लगाए थे उसमें कुछ इशू आ रहा है, तो वो मैं ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ करोल बाग. और कुछ और सोच रहा हूँ, शायद फॉग लैंप वगैरह कुछ लगवाने के लिए. तो उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ करोल बाग. फोन करके मैंने बात कर ली थी और अभी स्टोर ओपन है और शाम को, वैसे रात को 10 बजे तक शायद करीब ओपन रहता है. तो चलते हैं करोल बाग और वहां पे कराते हैं, देखते हैं क्या क्या. अगर कुछ और समझ आता है तो कुछ और भी करा लेंगे, जैसे कि कोई अगर और कोई एक्सेसरीज समझ आएगी तो वो भी करा लेंगे, है ना. तो चलते हैं बाहर करोल बाग की तरफ, तो मिलते हैं करोल बाग में. अब हम आ गए हैं स्टोर पे, ठीक है. और अब यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी और पूछते हैं कि भाई कितनी देर में होएगा काम. तो अब मैंने ये इसका बम्पर खुलवा दिया क्योंकि मैं इसमें फॉग लाइट चेंज करा रहा हूँ. ये फॉग लैंप जो है वो दोनों, उधर वाला तो खराब ही था. देखो ये येलो हो रहा है ना, ये येलो हो रहा था और ये चेंज करा रहा हूँ, दोनों चेंज हो जाएंगे. तो इसमें अभी मैं जो डलवा रहा हूँ वो है कौन सा वाला, कहाँ गया ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर कर रहे हैं पता नहीं कौन सा है. अरे कहाँ गया वो, सो ये वाला है, ये आईबीएस प्रोजेक्टर. तो इसमें बल्ब अलग से लगता है, दिखाता हूँ. ये देखो तो ये अंदर से खाली है, इसमें बल्ब अलग से लगता है. आईपीएच प्रोजेक्टर, ठीक है. इसकी गारंटी वारंटी ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कोई इशू हो जाता तो मेरे पास ले आना. अब ये लगवा रहा हूँ मैं, इसका प्राइस मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में लगेगा. उसके बाद इसमें एलईडी बल्ब लगेगा जो 6000 लुमिनस का होगा, ठीक है. इसमें रिले वायरिंग क्या, रिले वायरिंग, रिले लगेगी, रिले वायरिंग मांगो अंदर से. और ऊपर जो हेडलाइट है, हेडलाइट को मैं एलईडी करवा दूंगा, एलईडी करवा देते हैं. तो इससे क्या होगा कि अपना पूरा ना वो मतलब नीचे वाइट ऊपर येलो थोड़ा कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा, तो उससे बेटर है कि ऊपर भी मैं वाइट कराता हूँ, नीचे भी वाइट रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, देखने में भी अच्छा रहेगा. इसमें ये वाले मैं इसमें बल्ब लगा रहा हूँ जो फॉग लैंप के ये लगाए, फॉग लैंप की जो लाइट लगाई है मैंने, इसके अंदर ये बल्ब लग रहा है और ये है 120 वाट ईच बल्ब एंड 12000 लुमिनस और 6500 के जो इसकी कलर है. और फैन स्पीड आपको दिख रही है इसमें 13000 है RPM, ठीक है. ये है क्रिस्टल आई LED 2022 और इसके अंदर भी अब ये सारा कुछ मिला मिलोगे ना, मेरे को टोटल कॉस्ट कर रहा है ये जो बल्ब है ये कुछ 6000 रुपये के करीब कॉस्ट कर रहे हैं मेरे को, ये और ये इसमें मिला के 6000 रुपये, ठीक है. तो अब ये लगवाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर के बल्ब चेंज कराएंगे, ठीक है. सो गाइस काम तो हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरी फॉग लाइट जो मैंने लगवाई है गाड़ी में वो कितनी कैपेबल है और क्या उनकी पावर है, ठीक है. तो फॉग लाइट स्टार्ट करते हैं, अभी फॉग लाइट नहीं है, नॉर्मल हेडलैम्प स्टार्ट है, ठीक है. फॉग लाइट स्टार्ट करते हैं, एक मिनट जरा, 1 2 3 ये देखो है ना गाइस. और अब हाई बीम चलाऊं, ये देखो है ना, जबरदस्त मजा आ गया ना. मेरे को भी बड़ा मजा आया जब मैंने ये लगवाया और ऑन करके देखा यार, जब रोड पे ऑन करके देखा ना तो इसका मजा ही अलग है यार, सीरियसली. ऑफ कर देते हैं. सो गाइस अब बहुत सारे बंदे ये भी बोल सकते हैं कि मैंने फॉग लैंप लगवाई या हेडलाइट जो भी लगवाई है वो बहुत कॉस्टली है और मतलब ज्यादा पैसा दे दिया मैंने. क्योंकि देखो मेरे को और भी वहाँ पे एक्सेसरीज दिखी, और भी फॉग लैंप और हेडलाइट मैंने और भी देखी, सस्ती भी थी और इससे महंगी भी थी. और यही फॉग लाइट लगा के एक बंदा अपनी गाड़ी लेके आया था, वो सियाज यूज़ कर रहा था. लेकिन जब मैंने उसकी गाड़ी में वो फॉग लाइट देखी तो मेरे को अच्छी लगी और मैंने सोचा कि यही लगवा लेता हूँ. अब दूसरी चीज़ ये कि लगवाने का कुछ मतलब दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि देखो हम अकेले तो रोड पे गाड़ी चला नहीं रहे हैं, दूसरे भी बंदे चला रहे हैं. तो ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा बिल्कुल अंधा हो जाए, उसे कुछ दिखे ना, सारा फोकस उसकी आंखों पे पड़े और वो अनकंफर्टेबल हो जाए, या फिर हमें ही सब कुछ दिख रहा है या फिर हमें भी कुछ नहीं दिख रहा. मतलब कई चीज़ें देखनी होती है. फॉग लाइट एक लेवल से ऊपर ना जाए, वो नीचे ही रहे,
बिल्कुल आंखों पे ना पड़े सामने। तो ये सारी चीजें देख के जब मेरे को जो चीज उस टाइम पे सही लगी और मैंने वो चीज लगाई, अच्छा लगाने के बाद जब मैंने इसे चेक किया रोड पे, तो मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने पैसा वेस्ट कर दिया या फिर मैंने ज्यादा पैसे की लगा ली या फिर कि मैंने ये क्यों लगाई, दूसरे क्यों नहीं लगाई। तो ये चीजें मैंने जब लगाई तो मेरे को बिल्कुल लगा कि हाँ ये वर्थ है। और आपने भी देख ही लिया होगा कि मैंने जो लगाई है इसमें कितना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिला है। सो गाइज ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है और पार्किंग लाइट मैंने जो है वो वाइट वाली लगवा दी है क्योंकि येलो वाली पार्किंग लाइट अच्छी नहीं लगती नीचे वाइट वाले फॉग लैंप के साथ। तो पार्किंग लाइट ऑन है। अब सबसे पहले मैं आपको हेडलाइट दिखाता हूँ। हेडलाइट ऑन करके देखो सामने अभी इतनी रोशनी है, ठीक है अभी इतनी रोशनी है। ये गाड़ी निकलने देते हैं उसके बाद देखते हैं। हेडलाइट ऑन करना भाई, ये देखो ये सिर्फ हेडलाइट ऑन है और हेडलाइट ऑन होने के बाद हाई बीम, ये हाई बीम है ठीक है। तो ये है हेडलाइट ऑन इस टाइम पे, पार्किंग लाइट ऑन नहीं है सिर्फ हेडलाइट ऑन है और उसका इतनी रोशनी है ना जबरदस्त रोशनी है ना। तो अब दिखाता हूँ आपको फॉग लैम्प। हेडलाइट ऑफ कर दो, हेडलाइट अब पार्किंग, ये है फॉग लैम्प है ना, ये देखो ये है फॉग लैम्प। अब फॉग लैम्प ऑन करें नीचे के और ये देखो फॉग लैम्प की लाइट देखो, वाओ है ना जबरदस्त। फॉग लैम्प की लाइट भी काफी अच्छी है, फॉग लाइट ऑफ करना, ये देखो फॉग लाइट ऑफ करी। अब फॉग लाइट ऑन करते हैं, ये देखो गाइस बिल्कुल जबरदस्त है। अब इसका अब डिपर मारना, ये डिपर डिपर देखो, है ना जबरदस्त। सो गाइस ये लाइट लगाई है मैंने और लाइट लगाने के बाद अब पूरा रात में भी पूरा दिन वाला फील आता है, बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। अब इसका क्या है कि मैंने ना नीचे फॉग लैंप का, क्योंकि इसमें आते नहीं है तो फॉग लैंप का अलग बटन लगाया हुआ है, लेकिन मैंने पार्किंग लाइट से इसका कनेक्शन करा दिया है। तो जैसे ही पार्किंग लाइट ऑन करेंगे उसके बाद फॉग लैंप का बटन ऑन ऑफ करके हम काम कर सकते हैं, ठीक है मतलब तब वो काम करेगा। अगर पार्किंग मैंने ऑफ कर दी है पार्किंग लाइट, तो फिर फॉग लैंप वाला बटन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम दिन में ना भूल जाते हैं, दिन में भूल जाते हैं। जैसे फॉग लैंप ऑन करे हुए हैं दिन में पता तो चलता नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी ऑफ करके निकल गए तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है बैटरी खत्म होने के। 120 वाट का बल्ब है पार्किंग, हैं कौन सा, एक मिनट। अब फॉग लैंप वाला जो है वो 120 वाट की एक लाइट है और 12,000 लुमिनस है, तो वो ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अच्छी लाइट है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि फॉग लैंप ऑफ कर दो, फॉग लैंप ऑफ हो गए हैं। अब मैं आपको हेडलाइट का दिखाता हूँ। हेडलाइट में तीन कलर हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है वाइट कलर ना हर जगह काम नहीं आता है, उसमें क्या होता है जैसे कभी सर्दियाँ हैं तो फॉग है, फॉग में अब अगर मैं टूरिंग पे जाता हूँ या फिर कहीं भी दिल्ली में भी कभी कभार फॉग हो जाता है तो उसमें इशू आएगा, तो उसके लिए लाइट को चेंज करना है ऑन ऑफ। ये देखो ये है वाइट, ये है येलो और ये है ऑफ वाइट। तो इसमें तीन लाइटें हैं, ठीक है तीनों लाइटों को मैं एक बार अब सामने दिखा देता हूँ। सामने ये है पार्किंग, ये है वाइट, अब ये है येलो और ये वाली अब है ऑफ वाइट, ठीक है। तो तीनों लाइटें हैं, तीनों लाइट का अपना अपना एक बेनिफिट है, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तीनों लाइट मेरे को तो बड़ा बेस्ट ऑप्शन लगा कि वाइट के साथ वाइट चला सकते हैं, फॉग लैंप के साथ कोई इशू भी नहीं करेगा और अच्छी खासी रोशनी है, इसमें काम अपना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई इशू आता तो ये वारंटी के साथ है और वो भैया अपने आप वो कहते हैं कि वारंटी वगैरह आप टेंशन मत लो, वो मैं सब कर दूंगा। तो कैसा लगा ये जो मैंने मॉडिफिकेशन कराया लाइट का, ये कैसा लगा ये आप ज़रूर बताना, कैसा लगा ये काम आपको ज़रूर बताना। और मैं आपको अब इसके रेट बताता हूँ। जो फॉग लैंप है, फॉग लैंप मेरे को करीब कॉस्ट करा है 6,000 रुपीज़ का, क्योंकि 4,000 के करीब के इसके बल्ब हैं और वारंटी के साथ है। और इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर वाले तीन कलर वाला जो इसमें हेडलाइट मैंने लगवाई है उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे को कॉस्ट करा है 7,000 भैया बोल रहे थे, लेकिन मैंने 6,000 ही पे करें। उसमें कुछ इसकी वायरिंग वगैरह ली है 500-600 रुपये की और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लगी हैं, तो राउंड फिगर मैंने इन्हें
12-13 हज़ार रुपये ही पे करें, ठीक है। इसमें मेरा ये सारा काम हो गया है, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उसका जरूर से आंसर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, गुड बाय।